वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का आपका हिंदी इलेक्टिव का पेपर हुआ है जो कि मॉर्निंग शिफ्ट का हुआ है, उसका हम आंसर की डिस्कस करेंगे। कौन से क्वेश्चंस के आंसर क्या हो सकते हैं या क्या होने वाले वो डिस्कस करेंगे। पैटर्न को आप देख सकते हैं, जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है ये पेपर, आपको अच्छे से समझना है इसको। एंड वही पैटर्न है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किस पैटर्न से पेपर आएगा, सेम उसी पैटर्न पे आपका पूछा गया है। सेक्शन जो आ होगा यानी खंड आ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर क्वेश्चंस पहला आपका पैसेज से रिलेटेड पूछा गया था एंड इसके अंदर आपके 10 एमसीक्यू क्वेश्चन थे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे मौसम के मिजाज के बदलने का क्या कारण है पूछा गया है, जो मौसम है उसका मिजाज बदलने का क्या कारण है। आप एक बार जाएंगे पैसेज की तरफ एंड इसी के अंदर आपको जो है इन सभी क्वेश्चन के आंसर जो है आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें आपको जो है हिंट मिल जाए या आपको आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको वैसे आंसर्स बता देता हूँ, मौसम के मिजाज के बदलने का क्या कारण है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन जो है वो वैश्विक तापमान में जो वृद्धि है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आएंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, दुनिया भर के जो पर्यावरणविद है वो चिंतित क्यों है, क्या कारण है जिसकी वजह से वो चिंतित है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए एंड इसका राइट आंसर आपका पारिस्थितिकी तंत्र के बिगड़ने की आशंका से जो है, यानी जो हमारा एक तरह से रहना जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर आप देखेंगे तो सभी चीजें जो है अपनी अपनी जगह काम करती है, लेकिन जब ज्यादा कुछ हो जाता है जैसे मौसम में अचानक से परिवर्तन हो जाए तो परिस्थिति के तंत्र जो है वो खराब हो जाता है, तो उसकी वजह से पर्यावरणविद जो है वो चिंतित है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, दुनिया के तमाम देश जलवायु सम्मेलनों में सिर्फ वादे कर क्यों चले जाते हैं। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए थे एंड इसका राइट आंसर जो है अपने अपने स्वार्थ और हितों के कारण जो है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ग वाला ठीक हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, गेहूं और दलहनी फसलों के लिए किस प्रकार के मौसम की जरूरत पड़ती है, तो ठंडी मौसम और कोहरे की यहाँ पे देखेंगे एंड पैसेज के अंदर इन सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, अभी दलहनी वाला जो पूछा गया क्वेश्चन है उसमें किस महीने में की जाती है, यहाँ पे देखेंगे गेहूं और दलहनी फसलों के लिए ठंडे मौसम और कोहरे की जरूरत होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे ठंडे मौसम और कोहरे की, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन घ। आगे आएंगे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया, फरवरी का महीना शुरू होते ही मौसम में गर्मी लौटने का फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो फरवरी के महीना शुरू होते ही मौसम में गर्मी लौटने का फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप इसमें जाएंगे पैसेज में एंड इसके आंसर भी मैं आपको पैसेज में दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है फरवरी का महीना शुरू होते ही मौसम में गर्मी लौट आती है, इस तरह फसलों में ठीक से जो है इस समय जो होता है फसलों में ठीक से दाने नहीं भर पाते, इससे स्वाभाविक ही अन्न के उत्पादन पर असर पड़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका ऑप्शन जो आपके दिए हुए इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन का आ जाएगा, अन्न का उत्पादन सीमित हो जाता है। छठे क्वेश्चन की तरफ आए। छठा क्वेश्चन पूछा गया है, वन्य जीव खतरे की कगार पर पहुंच चुके पंक्ति संबंधित है किससे, तो वन्य जीव है वो खतरे की कगार पर पहुंच चुके किससे, फसलों के उत्पादन में कमी से, दुर्लभ खनिजों की संसाधनों में कमी से, वनों के दुर्लभ पेड़ पौधों में कमी से, या लुप्त प्राय दुर्लभ जीवों में कमी से। अगर हम देखें तो फसलों के उत्पादन में कमी से ये इसका राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन का, इसकी वजह से वन्य जीव खतरे की कगार पर पहुंच चुके हैं। सातवें क्वेश्चन की तरफ आए तो सातवां क्वेश्चन पूछा गया, आज बहुत सारे देशों के लिए एक बड़ी चुनौती क्या है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। आज के समय जो पूछा गया बड़े सभी देशों के लिए यानी बहुत सारे देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है, आप पैसेज में जाएंगे तो इसके आंसर भी आपको सभी के पैसेज में आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं इसकी बात करूं कि सभी देशों के लिए क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वायु प्रदूषण और उससे पैदा होने वाली बीमारियों को रोकना बहुत सारे देशों के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वायु प्रदूषण और उससे होने वाली बीमारियां जो है इसका राइट आंसर निकल कर आएगा, आपका जो है ऑप्शन ग दिया हुआ है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। आठवें क्वेश्चन की तरफ आएंगे अब हम। आठवें क्वेश्चन में दिया हुआ है, विभिन्न देशों में उत्पादन की कमी का क्या कारण है, तो प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता ये हो ही नहीं सकता, जलवायु परिवर्तन के प्रति उदासीनता, या नागरिकों की शारीरिक अस्वस्थता। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन जो ग है, इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन ग निकलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आए तो अगला क्वेश्चन नोवा आपका कथन और कारण वाला दिया गया था, जिसमें कथन दिया गया है धरती पर जीवन के लिए खतरा बन चुके जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपेक्षित संजीदगी कहीं जो है नजर नहीं आती, कारण दिया है कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने और उसके दोषियों पर दंड के प्रावधान को लेकर अब तक कोई व्यवहारिक रास्ता नहीं बन पाया।
तो ये दोनों ही ठीक हो जाएंगे, ठीक है। एंड अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर देखिए, हम ऑप्शन घ इसका ठीक आ जाएगा, नौवे का। दसवीं की तरफ चले, दसवां क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है, कथन दिए हुए, एक दो और तीन कथन दिए हुए। जैसे पहला कथन है, मौसम का चक्र बिगड़ने से अनेक नए प्रकार के विषाणु पनप रहे हैं जो स्वास्थ्य पर बुरा जो है असर डालते हैं, ये सही हो जाएगा आपका। दूसरा बोला गया, खेती किसानी बागवानी पशुपालन पर जलवायु परिवर्तन का अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, तो नहीं है, अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और तीसरा दिया हुआ है आपका जो पॉइंट है, विभिन्न देशों में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपेक्षित गंभीरता दिखाई देने लगी है। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, आपके नीचे जो है विकल्प दिए हुए, जैसे पहला और दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, तीसरा सही है केवल, या तो पहला ठीक है। अगर हम देखें तो ऑप्शन घ इसका राइट आंसर आ जाएगा, केवल पहला ही ठीक है। ये आपका हो जाएगा पहला क्वेश्चन कंप्लीट, जिसके अंदर आपके 10 क्वेश्चन आपको करने थे, जो MCQ था आपका 10 पहले क्वेश्चन में निकला था, कुछ इस तरह से इसके आंसर होंगे। देखिए इन सभी के आंसर जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद से बता रहा हूँ, मेरे पास कोई आंसर की नहीं है कि मैं उसको देखकर आपको बताते जा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरे से गलतियां नहीं हो सकती, हो सकती है मेरे से भी गलतियां, ठीक है। और मैं वो क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा जिसमें मेरे को थोड़ा डाउट होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का, जो आपका दिया हुआ काव्यांश है, इससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड मैं आपके आंसर दिखा देता हूँ आपको कौन कौन से होने वाले। जैसे पहला है, दिए गए कथनों को पढ़कर उचित विकल्प का आपको चयन करना है। तो ये आपके कथन दिए हुए, आप इन कथनों को देख सकते हैं। कवि आदर्शों के प्रतिमान बनने के लिए कहता है। अगर हम देखें, दूसरा बोला है, कवि ने श्रम पर बल दिया है, आपराधिक क्रियाओं में लिप्त व्यक्ति मासूमों की हाय प्राप्त करता है, या कवि ईर्ष्या एवं विध्वंसकारी गुणों का सम्मान करता है। तो ये लास्ट वाला गलत हो जाएगा, बाकी ऊपर के जो तीनों पॉइंट है वो इसके ठीक हो जाएंगे। तो अगर हम देखें विकल्प में आपका दिया हुआ है एक दो और तीन, ऑप्शन घ इसमें ये सही हो जाएगा आपका, तो ये आपका ठीक हो जाएगा पहले का। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आएंगे, दूसरा क्वेश्चन है, कवि क्या बनने की सलाह दे रहा है, हैवान बनने की, गुणवान, फनकार, या कलाकार। तो यहाँ पे गुणवान बनने की, अगर आप इसको देखेंगे जो आपका काव्यांश दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे लास्ट में देखेंगे गुणवान बनो गुणवान बनो यहाँ पे कहा गया है, तो किसकी सलाह दे रहे हैं कवि यहाँ पे, गुणवान बनने की। आगे आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, छोड़ो तुम आलस के तम को, हर क्षण करो समर्पित श्रम को, कहकर कवि किस ओर संकेत कर रहा है। तो यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे राइट आंसर इसका जो निकल कर आएगा आपका, नव विकास और निर्माण करने को, ठीक, इसका ऑप्शन का ठीक हो जाएगा, नव जो है विकास और निर्माण करने की ओर जो है कवि कह रहा है। आप यहाँ पे चलेंगे काव्यांश के अंदर, इसके अंदर भी मिल जाएगा आपको जो है नव निर्माण करने को यहाँ पे बोला गया है, इसमें ढूंढेंगे आप तो मिल जाएगा, ठीक है। मैं एक बार ढूंढ के दिखाता हूँ आपको, मिल जाए तो यहाँ पे देखेंगे कहा गया है नव विकास निर्माण बनो, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो नए नव विकास और निर्माण करने को कह रहा है यहाँ पे, आपका नव विकास और निर्माण करने की ओर ऑप्शन का इसका ठीक हो जाएगा। आगे की तरफ आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है, कवि ने हृदय में क्या लहराने की बात की है, तो ऑप्शन घ इसका प्रेम आ जाएगा। आप काव्यांश में जाएंगे, इसी में इसका आंसर लिखा हुआ था, यहाँ पे आप देखेंगे प्रेम बेल लहराओ और में, यहाँ पे आप बात की गई है प्रेम की, तो ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन घ जो आपका प्रेम दिया हुआ है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, अगला पांचवा है, वस्तु की असली कीमत कौन पहचानता है, तो असली कीमत वस्तु की कौन पहचानेगा, जो उसको बनाया है। ऑप्शन ख, वस्तु को बनाने वाला ही उसकी असली कीमत जानता है, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर आ जाएगा। छठे क्वेश्चन की तरफ आए, तो छठा क्वेश्चन आपका कथन और कारण वाला था। अगर हम कथन को देखें, कथन कहा गया है ईर्ष्या से मानव का विध्वंस होता है, ये बात सही है, और कारण दिया है कुंठित व्यक्ति समाज में सम्मान नहीं पाता, तो ये भी सही हो जाएगा, कुंठित व्यक्ति वही एक तरह से उसके अंदर रख सकते हैं जो ज्यादा ही जो है समस्याओं में हो, ठीक है, इसके अंदर रख सकते हैं कुंठित व्यक्ति को, समाज में सम्मान नहीं पाता है, तो ये इसका राइट आंसर। अगर हम देखें ए तथा आर जो है दोनों ही सही है, ऑप्शन का इसका सही निकल कर आ जाएगा, ए और आर दोनों ही सही है। अगले क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर सातवा है, प्रेम बेल में कौन सा अलंकार है, यमक, रूपक, क्लेश, या अनुप्रास, तो राइट आंसर आपका रूपक अलंकार आ जाएगा। एंड लास्ट आपका क्वेश्चन है, कवि क्या छेड़ने को कह रहा है, छोड़ने को कह रहा है, सॉरी, कवि क्या छोड़ने को कह रहा है, तो वो कह रहा है आलस को छोड़ो, ऑप्शन घ इसका ठीक हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया है, एंड आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से पूछा गया था। तीसरे क्वेश्चन में हम पहले की तरफ आते हैं, सच्चाई, संतुलन, निष्पक्ष, स्पष्टता के रूप में हम पत्रकारिता को
विषय की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दोषों की, समस्याओं की, मूल्यों की या विडंबनाओं की। तो यहाँ पे मूल्यों की ऑप्शन जो ग है वो इसका राइट आंसर आएगा। आगे चले हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा है, किसी घटना के समाचार बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है, किन तत्वों का होना जरूरी है? नवीनता, जनरुचि, निकटता या प्रभाव। तो ये ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं एंड इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन घ आ जाएगा। 1, 2, 3 और 4 ये सभी चीजें चाहिए समाचार पत्र के तत्वों में, ये जरूरी होती है। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थर्ड है, भारत की पहली जो मूक फिल्म है राजा हरिश्चंद्र, उसको बनाया किसने था? निर्माता पूछा गया कि कौन थे। ये आपके ऑप्शन दिए हुए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी, दादा साहेब फाल्के। ये आपके ऑप्शन दिए हुए एंड अगर हम इसके आंसर्स की बात करें तो वो आपका दादा साहब फाल्के ऑप्शन का निकल कर राइट आंसर आ जाएगा। आगे की तरफ आए, फोर्थ क्वेश्चन है इसका। फोर्थ क्वेश्चन आपके कथन दिए हुए थे इस तरह से एंड इसमें जो है कथन पूछा गया था कि इनमें से विकल्प दिया हुआ है कौन सा सही है। तो कथन क्या है, दैनिक समाचार पत्र 12 बजे तक के समाचारों को कवर करते हैं। किसी मुद्दे को समाचार बनाने के लिए एक पक्षीय होना आवश्यक है, तो ऐसा नहीं है। लोगों की टकराव एवं संघर्ष में स्वाभाविक दिलचस्पी होती है, तो ये होता ही होता है, जहां पे टकराव होता है वहां पे दिलचस्पी लोगों की बढ़ती बढ़ती है। तो ये आपके दिए हुए कथन एंड इसके अगर हम आंसर्स की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा पहला और तीसरा, ये दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ग इसका ठीक हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की तरफ आए तो मिस रुचि का तथ्य की गहराई से छानबीन करके सूचनाओं को सामने लाने का काम करती है। यहाँ पत्रकारिता की किस प्रकार की बात हो रही है, तो खोज परक पत्रकारिता मैंने आपको करवाया भी था। ऑप्शन ख इसका ठीक हो जाएगा। अब आते हैं हम जो अंतरा भाग वन है उससे आपका जो है काव्यांश दिया रहेगा, दिया हुआ था एंड उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये आप देखेंगे, ये आपका काव्यांश दिया हुआ है एंड इससे रिलेटेड आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए। जैसे उपयुक्त काव्यांश में काव्य का कौन सा गुण विद्वान है, यहाँ पे पूछा गया है। अगर हम देखें इसके राइट आंसर को तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ख, ओज गुण। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, उपयुक्त काव्यांश में काव्य का कौन सा गुण जो है वो विद्वान है, तो यहाँ पे ओज और प्रसाद इन दो में मेरे को दिक्कत हो रही थी। एक बार ना आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए इसका क्या आपने आंसर लिख के आया। तो ये जो आपका चौथा क्वेश्चन है, चौथे का जो पहला क्वेश्चन है, जो ये काव्य दिया हुआ है इसमें कौन सा जो गुण है वो विद्वान है, प्रसाद गुण या ओज गुण, आप मुझे एक बार कमेंट में बताइए। थोड़ा सा जो है मेरे को कंफ्यूजन है, फिर मैंने आपको जैसा कि बताया मेरे पास आंसर की नहीं है, मैं खुद से ही आपको आंसर बता रहा हूँ कि ये आंसर हो सकता है, तो गलतियाँ मेरे से भी हो सकती है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता हूँ, इसमें आपने क्या भरा है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए, काव्यांश में तितलियाँ किसका प्रतीक है, यहाँ पे आपके सौ ऑप्शन दिए हुए, चुनौतियों की, संघर्ष की, सुंदर जो है युक्तियों की या बाधाओं की। तो काव्यांश में तितलियाँ किसका प्रतीक है, अगर आप एक बार जो है काव्यांश को देखेंगे, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का जो है कंदन भुला देगी मधुर की मधुर गुनगुन। यहाँ पे देखिए इसे हमें समझना पड़ेगा, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पैर रंगीले के पर रंगीले। पंथ की जो है यानी रास्ते की हम बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। अगर हम देखें तितलियों के पर रंगीले, चुनौतियों की, संघर्ष की, बाधाओं की या सुंदर युक्तियों की, तो ऑप्शन ग इसका राइट आंसर आ जाएगा। सुंदर युक्तियों की जो है ऑप्शन ग इसका ठीक होगा। दूसरे अगले क्वेश्चन की तरफ आए, काव्यांश का मूल भाव क्या है। तो यहाँ पे काव्यांश जो आपने पढ़ा या आपने जो देखा इसका मूल भाव बताना था आपको कि क्या है। अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर किस चीज के बारे में बात हो रही है, इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा स्वाधीनता के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहना ये कहा गया, तो ऑप्शन का इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन का ठीक हो जाएगा काव्यांश के मूल भाव को लेकर। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा पूछा गया है, जाग तुझको दूर जाना है से क्या अभिप्राय है। तो मंजिल दूर है पर सोना भी जरूरी है, यात्रा में बाधाओं का ना होना, मंजिल का आसानी से प्राप्त होना, लक्ष्य प्राप्ति के लिए जागरूक होकर आगे बढ़ना। ठीक है, तो राइट आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन इसका घ आ जाएगा, लक्ष्य प्राप्ति के लिए जागरूक होकर आगे बढ़ना, ऑप्शन घ ठीक हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो पांचवा आपका तीन कथन दिया हुआ है कुछ इस तरह से एंड इसमें आपके विकल्प दिए हैं। तो कथन देखें हम, आकर्षण के सामने आने से व्यक्ति की दृढ़ प्रतिज्ञा में वृद्धि हो जाती है, सफलता प्राप्ति के लिए मार्ग की बाधाओं से जो है घबराना नहीं चाहिए, संघर्षशील व्यक्ति को कोमल भावनाओं से सावधान रहना चाहिए। ये आपके ऑप्शन दिए हुए एंड इसका अगर हम राइट आंसर देखें
कथनों पर कौन सा सही है? कथन आपका दूसरा और तीसरा ही सही हो जाएगा। ये आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के। आई होप कि आप यहाँ तक सही टिक करके आए होंगे। एंड हाँ, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे एक बार जरूर कमेंट करके बताना क्या आएगा। आगे हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 5वां है, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इस वाले क्वेश्चन में आपसे जो है गद्यांश दिया हुआ है, ये आपके चैप्टर से ही दिया रहता है, एंड इससे रिलेटेड आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए 5। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन, यहाँ किस शासन प्रणाली के बारे में बात की जा रही है? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, भारत, ब्रिटिश, सामाजिक शासन प्रणाली या आर्थिक शासन। अगर आप इसे देखेंगे तो इसमें आप जान इसको अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा किसकी बात हो रही है। बाकी मैं आपको इनके सभी के आंसर्स बता देता हूँ, क्योंकि आपका पेपर हो गया है, समझाने का कोई फायदा तो है नहीं, बट मैं आंसर्स आपको बता देता हूँ कि इसका क्या आंसर निकल कर आएगा। इसका अगर हम देखें, यहाँ पे राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा ब्रिटिश शासन प्रणाली की, जो है ऑप्शन खा इसका बात हो रहा है, ऑप्शन खा इसका ठीक हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए तो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, प्रस्तुत गद्यांश में क्या दर्शाया गया? शासन का गुणवान, शासन का शिक्षा में अमूल्य योगदान, शासन की अन्यायपूर्ण नीति या शासन का महान चरित्र यहाँ पे बताया गया। तो अगर हम इसके राइट आंसर को देखें, अगर हम तो इसका राइट आंसर शासन की जो है अन्यायपूर्ण नीति, इसको दिखाया गया, ऑप्शन ग इसका ठीक हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आएंगे, इस सरकार ने अपमानजनक और मनुष्यताहीन नीति मर्दक कानून क्यों गढ़े हैं? तो किस लिए गढ़े हैं इन्होंने ऐसे कानून, इस सरकार ने जो है अपमानजनक और मनुष्यताहीन नीति जो है मर्दक कानून क्यों गढ़े हैं? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, एंड अगर हम इसके आंसर्स की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, लोग वीर और स्वाधीन ना हो, इसलिए ऑप्शन खा इसका ठीक हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आए, फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है, सरकार ने हमारे पढ़ने लिखने के साधनों को अज्ञान से भर रखा है, क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है आपको बताना है? अगर हम देखें, सरकार ने हमारे पढ़ने लिखने के साधनों को जो है अज्ञान से भर रखा है, इसका मीनिंग हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ज्ञान पाने वाले साधनों को काबू में करके अज्ञानता से भर देना, ऑप्शन जो ख है इसका राइट आंसर आ जाएगा। एंड पांचवा जो क्वेश्चन है आपका कथन और कारण वाला है, ठीक है। यहाँ पे कथन जैसे दिया हुआ है, देश की दुरावस्था से चिंतित युवा जो है पीढ़ी का जो विद्रोह है वो मुखर है। कारण दिया है, शासन व्यवस्था जोंक की तरह देश के धर्म, धन व प्राणों की को चूसती जा रही है। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए, एंड इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो कथन ए सही है और कारण आर सही व्याख्या है इसका, तो ऑप्शन घ इसका ठीक हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अगला क्वेश्चन आपका 6, जो कि आपका अंतराल भाग 1 है, उससे पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम, पहला क्वेश्चन, जो रुदन के विभिन्न रूपों को पहचानता है वह साधारण बालक नहीं है, कथन किसका है? शरद के नाना का, अघोरनाथ का, अघोरनाथ के मित्रों का या शरद के मित्रों का? जो रुदन के विभिन्न रूपों जो है पहचानता है वह साधारण बालक नहीं है, ये कथन किसने कहा है? तो अगर हम इसके राइट आंसर को देखें तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, शरद के नाना, ऑप्शन का इसका ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आए, भुवन मोहिनी कौन थी? तो ये आपको बताना है, भुवन मोहिनी कौन थी? वो थी शरद की माता, ऑप्शन जो खा है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आएंगे, शरद द्वारा किए जाने वाले निषिद्ध जो कार्य है तो संबंधी कथनों पर विचार करना है आपको। तो यहाँ पे अगर हम देखें, बाघ से फूल चुराना, तितली पकड़ना, नाव लेकर दूसरे शहर की यात्रा करना, एंड आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है, विकल्प आपको नीचे दिए हुए। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे केवल जो आपका जो नाव लेकर दूसरे शहर की यात्रा करना, ये सही है, थर्ड वाला आपका। अगर हम राइट आंसर की बात करें, विकल्प में आपका ऑप्शन ख ठीक हो जाएगा। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 4, बेंद्रे साहब की मकबूल के पिता से मुलाकात का क्या परिणाम हुआ? तो यहाँ पे अगर हम इसके आंसर की बात करें तो पिता ने जो है मकबूल के लिए ऑयल कलर जो है ट्यूब व कैनवास जो है मंगाने के आदेश दिए थे, ऑप्शन का इसका ठीक हो जाएगा। गला बोलते बोलते थोड़ा खराब हो गया, तो बीच में थोड़ी आवाज अलग सी लग रही होगी आपको, ठीक है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका 5वां पूछा गया, मिलान करने से रिलेटेड था, मिलान करना था इसमें। अगर हम मिलान में अगर राइट आंसर की बात करें, इसके राइट आंसर की जो 5वां है इसका राइट आंसर, थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे इस चीज को लेकर, वैसे राइट आंसर इसका ऑप्शन का हो सकता है जो दिया हुआ है। जैसे हम पहले को अगर देखें, भयंकर विषैले सांप जो है गोखरू, भागलपुर अगर हम देखें तो इसका आ जाएगा शरद का जो है ननिहाल, देवानंदपुर जो है इसका आपका जो तीसरा पूछा गया इसका बंगाल का एक गांव, और सिवार एक जलीय पौधा, इस तरह मैच हो जाएगा। हाँ, एक और चीज,
मैं आपको जो अभी थर्ड क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया, एंड इसमें जो है ना शरद द्वारा किए जाने वाले निश्चित कार्यों संबंधी कथनों पर विचार करिए। इसमें मेरे को इसमें डाउट था, मैंने आपको बताया नहीं, इसमें मेरे को भी इसमें भी डाउट था मेरे को। ऑप्शन इसका घा या खा में से एक मुझे लग रहा था, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप एक बार मुझे बताइए कि क्या निकल कर आएगा राइट आंसर। इस क्वेश्चन के अंदर भी मुझे डाउट हो रहा था। आगे की तरफ आते हैं, जो आपका छठा है, मकबूल किस खेल में अव्वल आते थे? ये आपके ऑप्शन दिए हुए, फुटबॉल में, क्रिकेट, दौड़ में या हाई जंप में। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो वो हाई जंप के अंदर हमेशा जो है अव्वल आते थे। लास्ट इसका जो सातवां लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कथन और कारण वाला। एम एफ हुसैन भारत के प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक है। ये अगर हम देखें, एम एफ हुसैन जो है भारत के प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक है। कारण दिया हुआ है, एम एफ जो है हुसैन को एक प्रतिष्ठित चित्रकार के रूप में बुनियादी आधार देने का देने कार्य उनके पिताजी ने किया था। तो ये आपके दिए हुए, एंड इसका अगर हम देखें तो कथन ए गलत है, लेकिन कारण जो है वो सही है। ऑप्शन घ इसका ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है कथन जो आपका दिया हुआ है गलत है, बट आपका जो कारण है वो सही हो जाएगा। तो ए गलत है तथा कारण आर सही है, एंड ये आपका कंप्लीट हो जाएगा सेक्शन ए, जिसके अंदर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस आपने पूरे देखे। एंड आई होप कि आपने कुछ इसी तरह आंसर दिए होंगे। मैंने दो क्वेश्चन आपसे पूछे जिसके अंदर मुझे थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन था, ठीक है? आप बता देना एक बार कमेंट करके। आगे की तरफ आएंगे तो वर्णनात्मक क्वेश्चन दिए हुए, एंड इन सभी के लिए मैं अलग से सोचा हूँ कि अलग से वीडियो बना दूँ अगर आप कमेंट करेंगे तब, क्योंकि आप देखिए 2020 का क्रिकेट मैच का जो है दृश्य पूछा गया है, हिंदी विषय की कक्षा का एक दृश्य पूछा गया, तो ये आपने दृश्य लेखन में कर दिया हुआ। बाकी आप सेम तो लिखे नहीं होंगे, जैसे मैं आंसर दूं भी आपको तो सेम तो लिखेंगे नहीं होंगे आप, ठीक है? बाकी आपका फॉर्मेट हो सकता है, तो आई होप कि आपने कर लिया होगा। मैंने आपको पेपर में भी करवाए थे दृश्य लेखन। आठवां क्वेश्चन पूछा गया था आपका जो है, मैंने जैसा आपको बताया था संपादक को पत्र आ सकता है आपका, ठीक है? एंड यहाँ पे संपादक को पत्र जो है वो ध्वनि प्रदूषण जो है बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर आपको बताना बताना था कि जिससे आम जन जो है जीवन को जो है कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए दैनिक समाचार पत्र को जो है आपको संपादक को पत्र लिखना था। एंड एक जो है कंप्यूटर ऑपरेटर के जो है पद बचे हुए उसमें आपको बताना था। तो ये मैंने आपको करवाया भी था, ये तो सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, तो ये आपका आया है। आगे देखें तो आप हिमांशु है, अपने मोहल्ले में आयोजित दंत स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी शिविर के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति आपको तैयार करना है, एंड दूसरे में एक प्रतिवेदन आपको तैयार करना है नई युवा नीति के ऊपर अथवे में। आगे की तरफ आएंगे तो नौवां क्वेश्चन है, पटकथा किसे कहते हैं? किसी एक पटकथा संबंधित पुस्तक का नाम लिखना था। जनसंचार के विभिन्न कार्यों पर प्रकाश डालना, आपको क्या क्या कार्य होते हैं इसके लिए मैंने आपको बोला कि आप कमेंट करके बताएंगे कि मैं अलग से आपके लिए वीडियो ला दूंगा। बाकी इन क्वेश्चन को आपने देखे ही होंगे, ठीक है? ये बहुत टाइम लग जाएगा मैं इसको कम्प्लीट करूँ, तो इसके लिए मैं अलग से एक पार्ट ला दूंगा अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बाकी ये यहीं तक था, मैं आपको एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू जो है एक टिक में हो जाता है, तो मैं आपको आंसर अभी बता दिया, बाकी उसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बाकी यही था आज का वीडियो। चलिए, पेपर देख लिया होगा आपने, पेपर इजी आया, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आया। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। हाँ, वीडियो पे अगर आप हमारे भी खराब हो रखा है, अगर आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे आपको मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है, बेल के आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। बाकी यही था आज का वीडियो, चलिए मिलता हूँ आपसे अगले और एक्साइटिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।